दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल सोशल बिकू पे। महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं पिक्चर्स में आप लोग को दिखा रहा हूं, जिसमें संतोष गंगवारकर जी हैं, जो कि श्रम लेबर मिनिस्ट्री एवं श्रम मंत्रालय से के मंत्री हैं। और आपको आप देख सकते हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स उन्हें मेमोरेंडम जो है अपना सौंप दिए हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है और ये आप देख सकते हैं। आपको बता दें ये बड़ी खबर जो है हैदराबाद से निकल के आ रही है, जहां पर श्रम मंत्री को जो है संतोष गंगवारकर जी को फूल गुलदस्ता बाकी और मेमोरेंडम के साथ जो है उनसे मिला गया और उन्हें जो है अपना मांग पत्र सौंपा गया। मैं पूरी खबर आपको विस्तृत रूप में बताने वाला हूँ, महत्वपूर्ण अपडेट है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और दोस्तों छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आने वाला हमारा कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इन्फॉर्मेशन जो है उनको प्राप्त हो सके। महत्वपूर्ण अपडेट है, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हैदराबाद में किस तरह की खबर निकल के आ रही है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हैदराबाद दिनांक 21/8/2019 की ये खबर है को हैदराबाद में माननीय संतोष गंगवारकर जी श्रम मंत्री की अध्यक्षता में चल रही सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग के दौरान ईपीएस 95 पेंशनधारकों का शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन व माननीय श्रम मंत्री जी व सभी सीबीटी सदस्यों का सम्मान करते हुए उन्हें ज्ञापन सादर का कार्यक्रम जो है सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक राउत के मार्गदर्शन में हुआ प्रदर्शन, विभिन्न विभागों के सैकड़ों पेंशनधारकों की उपस्थिति व सहभाग, श्री पीएन पाटिल राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार के नेतृत्व में हुए शानदार व प्रदर्शन प्रभावी प्रदर्शन। बोलाना महाराष्ट्र से आई महिला फ्रंट की नेता जयश्री पाटिल व श्रीमती श्रीला जी का सक्रिय सहभाग, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के अध्यक्ष श्री राम देशमुख, एनएससी नेता श्री दादा राव देशमुख, श्री कदम व श्री कांबले की विशेष उपस्थिति, श्री शंकर रेड्डी अध्यक्ष व श्री के पी मंडली सचिव कर्नाटक भी उपस्थिति। पेंशनधारकों ने नारे लगाए न्याय के लिए लगाई करोड़ पुकार, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन के दौरान कोई अनुचित घटना ना हो इसलिए पुलिस प्रशासन ने पुलिस वाहनों में बैठाकर सैकड़ों पेंशनधारकों को पुलिस स्टेशन में ले जाना पड़ा। मीटिंग के दौरान पुलिस स्टेशन में बैठा कर रखना। मीटिंग के दौरान श्री नागेश्वर प्रांतीय अध्यक्ष तेलंगाना के नेतृत्व में श्री के एम बी कृष्णा जी, नरसिम्हा हुलू जी, श्री पी डी चंद्रशेखर जी और रीजनल पीएफ बोर्ड सदस्य माननीय श्री श्रम मंत्री जी जो है वो बीएमएस सीआईटीयू एचएमएस एआईटीयूसी वो सभी सीबीटी सदस्य जो है वहां पर उपस्थित रहे, सबको जो है गुच्छा देकर फूलों का सम्मान किया गया। तो ये आप देख सकते हैं कि एनएससी के प्रांतीय अध्यक्ष नागेश्वर राव व उनकी टीम ने माननीय श्रम मंत्री व सभी सीबीटी सदस्यों को सम्मान किया गया है और उन्हें जो है गुलदस्ता और मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें मांग की गई है 7500 को। तो महत्वपूर्ण खबर थी, आशा करते हैं जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा, मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी नए अपडेट किसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।